ये बताइए यहाँ पर जो भी आया अपनी जन्म देने वाली माँ को जरूर मानता होगा, अपनी जन्म देने वाली माँ को जो जो मानता है एक बार जरा हाथ बोल डालो, क्योंकि ये दिल किसी पर यूं ही सैदा नहीं होता और लहू का रंग एक होता है अलहदा नहीं होता। और अगर डर जाती कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने से तो बेधड़क इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। एक बार उस माँ के लिए जरा हाथ उठाइए और ताली बजा के, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, हो कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, हो ओ घर 3 महीने से नहीं गया हूँ, अपनी माँ से मैं 3 महीने से नहीं मिला। इनको बाबूजी इसलिए बोला क्योंकि आपके चेहरे में मुझे अपने बाबूजी की परछाई नजर आती है। मैं अपने बाप से 3 महीने से नहीं मिला हूँ, 3 महीने से कार्यक्रम कर रहा हूँ। अब बड़े भाई हमारे हैं तो कहा कि मानने वाला होना चाहिए किसी की भी सूरत में। अगर मंदिर मंदिर एक बार पत्थर पत्थर एक बार मंदिर में जाता और भगवान बन जाता है, इंसान रोज मंदिर में जाता साला इंसान नहीं बन पाता है। बोलो सच्चे दरबार की, हम लोग रोज मंदिर में जाते इंसान नहीं बन पाते, पत्थर एक बार मंदिर में जाता और भगवान बन जाता है। श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो कहा कि रस्ते भर पूछा पाव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली इस दिल में रहने वालों को। मैंने पिताजी से कहा चलो आंसू पोंछ डालो, रेलगाड़ियां रही है। जब मेरी जब ट्रेन खुल रही थी कि बेटी जा रहा है बड़े दिन के बाद आएगा, तो मैंने पापा से कहा चलो आंसू पोंछ डालो, रेलगाड़ियां आ रही है। और पापा मैं नहीं जा रहा, मुझे मेरी मजबूरी ले जा रही है। इंसान पेट के लिए कहां कहां नहीं जाता। आज आप माँ के दरबार बैठे हैं किस लिए, कि आपका परिवार भूखा ना रहे। और आपने जागरण क्यों करवाया है, ताकि आपका पूरा गांव आपका पूरा शहर खुशहाल रहे। तो एक बार जरा हाथ उठाइए और माँ के लिए कहना क्या, दुखन लागी है माँ तोरी अखियां, दुखन लागी है माँ तोरी अखियां, दुखन लागी है माँ तोरी अखियां, धनुष राम ने तोड़ा था। बहुत सोचने वाली बात है, शिव का धनुष किसने तोड़ा था, राम जी ने। आपने देखा था बाबूजी, किसी ने देखा है शिव का धनुष राम ने तोड़ा है, किसी ने देखा है, नहीं देखा है, सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए मां रात भर जागती है, किसने किसने देखा है। खुद गीले पर सोकर बच्चे को सूखे पर सुलाती है, किसने किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा। बच्चों से माँ कितना प्यार करती है, पर उतना पर हाथ उठाओ। अगर आपकी माँ आपसे प्यार करती है तो एक बार हाथ उठाकर बता दो कि हाँ मेरी माँ हमसे प्यार करती है। और ताली बजा के कि मेरे हंसने पर हो, मेरे हंसने पर हो, मेरे रोने पर, मेरे रोने पर ओ तू बलिहारी की है। Oh,
से कौन कौन प्यार करता है? पिताजी से। जो पिता से प्यार करता है अगर पिता के लिए हाथ उठा दो। चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा। सर जी, एक पिता ही होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा हमसे आगे निकल जाए। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बगल वाला आपसे आगे निकल जाए, लेकिन एक बाप ही चाहता है कि मेरा बेटा हमसे भी बड़ा आदमी बने। एक बार अपने पिताजी के लिए जरा दोनों हाथ, उनके सम्मान के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए, अपने पिताजी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे मेरे पिताजी तो मेरे पास नहीं है। जिसके पिता उसके पास है एक बार उनके लंबे उम्र के लिए हाथ उठाओ, और जिनके पिता महादेव के पास है एक बार उनको याद कर दोनों हाथ ऊपर उठा दो। क्योंकि इंसान जब भी आगे बढ़ता है उसके पीछे उनके पिताजी की परछाई होती है, वरना वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक बार जरा हाथ उठाओ और ताली बजा के कहना क्या कि चंदा ने पूछा तारों से, तारों हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने हजारों से, सबसे प्यारा कौन साथिया नहीं जाना जीन लगे, साथिया नहीं जाना जीन लगे, साथिया नहीं जाना जीन लगे, साथिया नहीं जाना जीन लगे। उठ खड़ा हो, बोलिए दुर्गा मैया की। भजन सुना रहा हूं माता रानी की। सब जानती हो, माँ जो होती है वो सब जानती है। सब जानती हो क्या चाहता हूँ मैं, कह के ना सकूंगा, इतना समझ लो माँ के बिना मैं अब रह ना सकूंगा। तुझको पुकारे तेरा लाल हो, तुझको पुकारे तेरा लाल हो, आजा आजा आजा, मैं भी खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, तुझको पुकारे तुझको पुकारे तेरा लाल।
तुझको पुकारे तेरा लाल। और जब भी माँ को बच्चे बुलाते हैं तो उसको आना पड़ता है। बोलिए सच्चे दरबार की आइए आप लोग, हमको अच्छा